नमस्कार, मैं रौनक शुक्ला, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश से है। अयोध्या मसले को लेकर गोंडा पुलिस हुई हाई अलर्ट। उत्तर प्रदेश में अयोध्या मसले को लेकर गोंडा पुलिस में हाई अलर्ट। जैसे जैसे राम जन्मभूमि की सुनवाई के बाद फैसले का दिन नजदीक आ रहा है, पुलिस व प्रशासन भी अपनी मुस्तैदी बढ़ा रहा है। अयोध्या के बगल ही गोंडा जनपद होने के कारण एवं देवीपाटन मंडल का मुख्यालय तथा नेपाल से करीब एवं जनपद बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर नेपाल सीमा से सटे होने के कारण इन सीमाओं से होकर जनपद में ट्रेन और बसों का आगमन होता है। प्रशासन पहले थाना चौकियों पर शांति कमेटी की बैठक, फ्लैग मार्च करके जिला मुख्यालय पर पुलिस और जिला प्रशासन दोनों संप्रदाय के लोगों के साथ बैठक कर गलत सूचनाओं व अफवाह से बचने की अपील की। ऐसी कोई भी घटना की सूचना देने की अपील की। वही पुलिस प्रशासन अलग से भी बैठक कर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप, फेसबुक एवं अन्य सोशल मीडिया द्वारा किसी भी ऐसी खबर जिससे अशांति फैलती हो उसको न फैलाने की अपील की एवं पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री आर के नैयर ने सभी गणमान्य लोगों से अपील की, अगर कोई भी घटना अगल बगल या आसपास के क्षेत्रों में होती है तो तुरंत इसकी सूचना क्षेत्रीय थाना पुलिस एवं डायल 100 पर उसकी जानकारी दें एवं अफवाह न फैलाएं। सब अवगत हैं कि पिछले महीने की 15 तारीख तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे टाइटल सूट पे सुनवाई खत्म हुई है और जल्दी उसका फैसला आना अपेक्षित है। तो उसी संबंध में आज गोंडा जनपद के सभी संभ्रांत व्यक्ति, मुस्लिम समुदाय के हमारे सभी संभ्रांत व्यक्ति हम इकट्ठा हुए थे ताकि हम इस चीज पे वार्ता कर सकें और आने वाले समय में फैसले के बाद गोंडा जनपद में अमन, चैन और शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिन जिन कदम जो जो कदम उठाने की आवश्यकता है वह हम लोग जान पाए और उसके प्रति हम एकजुट होकर के आगे बढ़ सकें ताकि कोई भी किसी भी स्थिति में कोई भी ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे कि हमारे जिले का अमन या चैन खराब हो। इसलिए हम सबने इकट्ठे होकर के बात की, सबने अपने अपनी वार्ता की, अपने अपने विचार हमारे सामने रखे और इसके अंत में हम सब इस विचार के साथ या इस संकल्प के साथ अपना वापस जा रहे हैं कि हाँ, हम सब इस चीज के लिए कर्तव्यबद्ध हैं और हम सब इस चीज में एक साथ रहेंगे और हमारा यही प्रयास रहेगा कि गोंडा में कोई भी अमन चैन डिस्टर्ब ना कर पाए। बाकी आप में से जो कोई बताना चाहे तो एक कार्य बहुत सराहनीय रहा है कि हम लोगों इस समुदाय के साथ इंटरेक्ट किया है कि हाँ, इस आगे जो फैसला आने वाला है उसके परिप्रेक्ष्य में शांति बनी रहे। तो हम लोग मुस्लिम संगठन के लोग, जितने लोग यहाँ आए हुए हैं, इस बात का आश्वासन देते हैं कि इस जिले में हमारे मुस्लिम समुदाय की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं हो पाएगी और जो भी समस्या अगर किसी तरह से कहीं से भी आती है तो उसको खत्म करने के लिए। संवाददाता अमरेश प्रजापति की एक खास रिपोर्ट।